हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीजोन इलेक्ट्रिकल। दोस्त, आज हम लोग सीखने वाला है जो हमारा मोटर रहता है, जैसा हमारा एसी मोटर है, डीसी मोटर है, वो दो मोटर जो रहता है, मोटर को कैसे मेंटेनेंस किया जाता है। क्योंकि अक्सर आप लोग कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाएगा तो आपको ये मोटर का बारे में जरूर पूछा जाएगा, जो कभी भी मोटर को ब्रेकडाउन आने से पहले कैसे चेक करना पड़ता है और ब्रेकडाउन आ जाएगा तो उसको मेंटेनेंस कैसे करना पड़ता है, तो उसका बारे में हम आज बात करेगा। आप लोग को एक एक पॉइंट बताएगा तो आप लोग आसानी से इंटरव्यू में ये बता सकता है। चलिए दोस्तों, मैं एक एक करके आप लोग को पॉइंट बताता हूँ जो हमारा एसी और डीसी मोटर जो रहता है उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो पहले मैं आप लोग को जो नॉर्मल चीज है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, पहले तो हमको रेगुलरली जो मोटर का ऊपर में जो डस्ट रहता है, जैसा धुल्ला रहता है, उसको आपको क्लीन करना चाहिए, और उसका आजू बाजू में जो आपका ऑयल रहता है उसको भी आपको क्लीन कर लेना पड़ेगा। तो हमारा बियरिंग रहता है दोस्तों, उसी बियरिंग पे आपका ग्रीस जो लगा रहता है, बियरिंग जैसे हमारा बॉल बियरिंग रहता है, तो उसमें आपका ग्रीस है कि नहीं है वो आप बाहर से ऐसा नॉर्मली चेक करना पड़ेगा। उसका बाद में आप लोग को बताता हूँ जो हमारा मोटर को ऑन करने के लिए हमारा जैसा स्टार्टर रहता है, फ्यूज रहता है, तो वो सब आपका सही है कि नहीं है, मोटर का पास जो लगा है वो आपको एक बार नॉर्मली चेक कर लेना पड़ेगा। उसका बाद में दोस्तों अभी मैं आप लोग को बताऊंगा जो हमारा मोटर है, मोटर में जो वाइंडिंग रहता है, जब आप मोटर को शट डाउन ले लिया है, मोटर को आप सर्विसिंग करना शुरू कर दिया, तो मोटर में जो वाइंडिंग रहता है वो वाइंडिंग को अंदर में आपको जो डस्ट रहता है उसको आपको क्लीन करना पड़ेगा, और जो कम्युनिकेटर रहता है जिसमें हमारा जो ब्रास लगाता है, ब्रास होल्डर रहता है, तो आपको ब्रास होल्डर जो है, ब्रास को खोल के आपको ब्रास होल्डर जो है उसको क्लीन कर देना पड़ेगा, जो हमारा कम्युनिकेटर है उसको आपको क्लीन करना पड़ेगा। उसका बाद आपको जो कार्बन ब्रास रहता है, आप लोग देखा होगा, जैसा मैं साइड में आप लोग को देखा रहा हूँ, कार्बन ब्रश है। कार्बन ब्रश क्या होता है दोस्तों, ये 6 महीना चलने के बाद वो घिस जाता है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा करके घिस के आपका कम हो जाए, तो उसमें जो ब्रश का ऊपर में जो होल्डर रहता है, होल्डर में जो स्प्रिंग का प्रेशर रहता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, जो हमारा सप्लाई जो है वो माल फंक्शनिंग करेगा। इसलिए ये भी आपको ध्यान से चेक करना पड़ेगा, आपका ब्रश जो है वो घिस गया तो आपको उसको बदल देना पड़ेगा। उसका बाद का जो होल्डर रहता है वो भी आपको खराब हो गया, लूज कनेक्शन है, क्योंकि कभी कभी क्या ब्रास होल्डर हिलता है, उसका जो नट बोल्ट से फिटिंग है वो हिलता है, वो टाइटनेस आपको चेक कर लाना पड़ेगा। उसका बाद दोस्तों और एक जो वाइटल पॉइंट है, जो मोटर में आप ग्रीसिंग आपको करना पड़ेगा, एक छोटा वाला हैंड पंप आता है ग्रीस करने के लिए, तो उसी से आप ग्रीसिंग करने का, मोटर का ऊपर में एक होल दिया जाता है, दोनों साइड में हमारा दो बियरिंग लगा रहता है, तो उसमें क्या है दोस्तों, आपको ऊपर से ग्रीसिंग करना है, जो पुराना वाला जो ग्रीसिंग है वो केस, उसका अंदर जो ऑयल है, ग्रीसिंग में ऑयल रहता है वो सूख जाता है, सूखे क्या ग्रीस हमारा टाइट हो जाता है, तो उसमें हमारा मान लीजिए बॉल वाला बियरिंग लगा रहता है, कुछ भी लगा रहेगा, तो उसको आपको प्रॉपरली ग्रीसिंग करना पड़ेगा, जो पुराना वाला ग्रीस है उसको आपको निकल देना पड़ेगा। जैसा मैं आप लोग को देखा रहा हूँ, साइड में आप लोग देख रहा है, तो उसमें क्या है दोस्तों, वो ग्रीस आपको निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि ग्रीस आप निकाल देगा पुराना वाला, तो नया वाला डालेगा तो आपका मोटर का कंडीशन जो है वो अच्छा हो जाएगा। और उसका बाद आपको मोटर का जो एम्पियर है, जो मोटर में नेम प्लेट में लिखा है एम्पियर रेटिंग, आप लास्ट में उसको पावर देके, तो मोटर में एम्पियर जो है लिखा है वो सही एम्पियर ले रहा है कि ज्यादा ले रहा है वो आपको चेक कर लेना पड़ेगा। उसके बाद मेंटेनेंस में आपको जो मोटर का 6 टर्मिनल है, तो 6 टर्मिनल में आपका वायर बाहर से इनपुट सप्लाई किया है, तो वो जो टर्मिनल है वो कनेक्शन है कि नहीं है वो आपको चेक कराना पड़ेगा। लूज रहेगा तो आपको उसको प्रॉपरली टाइट कर देना पड़ेगा, क्योंकि टाइट नहीं करेगा तो उधर लूज कनेक्शन होगा तो सप्लाई मोटर को बराबर नहीं मिलेगा, वो भी आप लोग को देख लेना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जो मोटर में हमारा अर्थिंग किया गया है, जो अर्थिंग का वायर मोटर का बॉडी में लगा है, वो अर्थिंग का वायर सही से लगा है कि नहीं लगा है वो भी आप लोग को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक सेफ्टी पर्पस में है। वह आपका जो बियरिंग लगा है, बियरिंग का पास कुछ आवाज आ रहा है कि वो देख लेना पड़ेगा। उसका बाद मोटर में आपका कुछ वाइब्रेशन हो रहा है कि ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है कि वो भी आप लोग को चेक करना पड़ेगा। दोस्तों ये सब चीज आप लोग को चेक करना पड़ेगा। उसका बाद आपका फील्ड पोल जो रहता है वो गर्म हो रहा है, आर्मेचर रहता है वो गर्म हो रहा है, कम्युनिकेटर ब्रास गर्म हो रहा है, ये सब आप लोग को नॉर्मली चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आज आप लोग को जो मोटर में एसी मोटर रहता है, डीसी मोटर रहता है, ये दो मोटर में नॉर्मली आपको क्या क्या चेक करना पड़ता है
वो मैं आप लोग को बताया है दोस्तों। इंटरव्यू में आपको ये सब पूछ सकता है दोस्तों, आप आराम से ये सब जवाब दे देगा दोस्तों। इंटरव्यू में आपको पूछेगा मोटर कैसे मेंटेनेंस करना है, मैं जैसे आप लोग को बताया तो नॉर्मली आप ऐसा बताएगा तो आपका इंटरव्यू अच्छा होगा दोस्तों। दोस्तों इस मोटर में मेंटेनेंस के बारे में आपको कोई सवाल रहेगा तो हमारा कमेंट बॉक्स में जाके दोस्तों कमेंट करिए। और एक रिक्वेस्ट दोस्तों, आप हमारा चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना तक दोस्तों, अगली वाला वीडियो में मिलता हूँ, धन्यवाद।